रविवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर निदा खान ने बीजेपी का दामन थामने के बाद मंगलवार को बरेली पहुंची, जहां बरेली में बीजेपी के जिला कार्यालय पर पार्टी ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बेहतर काम किया है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने महिलाओं के हित में बीजेपी पर भरोसा जताते हुए शामिल हुई हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक जैसे मामलों पर काम किया, जो बेहद सराहनीय है। साथ ही साथ महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है भारत में बहुत बड़ा काम करा है, जिसका एक उदाहरण 3 तलाक का काम है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम महिला जिस अल्पसंख्यक समाज से मैं आती हूँ, उन्हें भाजपा का आगे चल के समर्थन करना चाहिए और इन मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आगे जाके उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। मैम, क्या प्रत्याशियों के साथ में, भाजपा के प्रत्याशियों के साथ में आप चुनाव प्रचार में भी शामिल रहेंगे? जी। और आप आला हजरत परिवार से भी बिलोंग करती हैं, तो क्या आला हजरत के समाज के लोग भी आपके साथ में जुड़ेंगे भाजपा से? देखिए, जो वर्ग है, एक वर्ग मेरे खिलाफ है बिल्कुल, वो अच्छे से पता है, लेकिन एक वर्ग है जो मेरे साथ है, तो मुझे लगता है वो चुनाव में जरूर जुड़ेंगे।